नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसपी ऑफिस के ठीक सामने। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि मेरे पीछे आपको एक टेंट नजर आ रहा होगा। ये कोई शादी विवाह का टेंट नहीं है। इस टेंट में कल यानी शनिवार के दिन सिग्नेचर मुहिम चलाई जाएगी। दरअसल अभी जो विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद भोंगा हनुमान चालीसा इन सब का, इस पर कंट्रोल करने के लिए, लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, प्रशासन का साथ देने के लिए कौन क्या क्या कर सकता है, ये करने का प्रयास किया जा रहा है। जलगांव पुलिस दल के भी ओर से, जलगांव के पुलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे के मार्गदर्शन में, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लंबा 100 मीटर का एक बैनर बनाया जा रहा है, जहां पर शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से आप आकर अपनी सिग्नेचर और अपना संदेश दे सकते हैं। संदेश दे सकते हैं, दैट मीन्स आप ये बता सकते हैं कि आप किसके साथ हैं, क्या आपको शांति चाहिए, क्या आप जो शांतिपूर्ण व्यवहार चल रहा है उसके साथ हैं। आप ये बता सकते हैं यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करके कि आप गलत लोगों के साथ नहीं हैं, गलत विचारों के साथ नहीं हैं, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ स्वाक्षरी मुहिम, एक सिग्नेचर मुहिम जो है उस पे आप बता सकते हैं। शनिवार सकाळी जळगाव शहरामध्ये आणि प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणी स्वाक्षरीची मोहीम जिल्ह्याच्या राज्याच्या राष्ट्राच्या एकात्मतेसाठी आम्ही नागरिक, जबाबदार नागरिक म्हणून उभे आहोत आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या किंवा प्रवृत्तीच्या आम्ही विरोधात आहोत। आपण सगळे एकत्र आहोत या देशाच्या जिल्हा राज्य देशाच्या प्रगतीसाठी आणि शांती समृद्धीसाठी, असा मेसेज सगळे नागरिक देण्यासाठी आम्ही एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणार आहोत मोठ्या प्रमाणावर। असं 100 मीटरचा साधारणपणे आम्ही स्वाक्षरी मोहिमेचा फ्लेक्स उभा करणार आहोत आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आणि सर्व नागरिकांना त्यामध्ये स्वाक्षरी करावी, तसेच त्यांनी स्वतःचा ऐक्यासाठीचा संदेश द्यावा, असं आवाहन आम्ही जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना करत आहोत। और ये जो मिशन है ये बताएगा कि कितने लोग यहाँ पर एकता में एक साथ हैं, कितने लोग जो दूसरे विचार हैं, गलत विचार हैं, लोगों को एक दूसरे पर तोड़ने के विचार हैं, इसके विरोध में है, ये यहाँ पर दिखाया जाएगा। और सिर्फ जलगांव में नहीं, पूरे जलगांव जिले में एक साथ हर पुलिस स्टेशन के हद में ये साक्षरी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। तो सिग्नेचर मुहिम में आप सभी हिस्सा लीजिए और आप सब जो हैं वो जरूर पहुंचिए अपने अपने पुलिस थानों के नज़दीक में और वहां जाकर सिग्नेचर कर अपने विचार जरूर रखिए।